अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक नंबर पढ़ेंगे 12.6, जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग आर चार्ज। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये ऊपर आपको शो हो रहा होगा। आज हम जो पढ़ेंगे वो है एक ऐसी सरफेस के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है जो उसे इनक्लोज करके बैठे, यानी कि इसको एक नए अंदाज में हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। इसको इस अंदाज में भी हम लिख सकते हैं, यानी कि एक ऐसी सरफेस के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है जो क्लोज्ड है। अब बच्चे कहते हैं जी क्लोज का तो मतलब सीधी सी बात वही है, वो एक फुटबॉल ले लो या कोई भी तरबूज ले लो, ये ऐसी गोल जो चीज़ें हैं ये सरफेस हैं। अगर आप गौर से देखो ना, जो तरबूज है वो दूर से आपको सरफेस लगता है, टू डायमेंशन है ना, सरफेस है। लेकिन अगर आप ये देखो कि अगर आप तरबूज को इधर से देखो ऊपर से ऐसे मस्त थ्री डायमेंशन है, वो सफेयर है वो, यानी कि हमें तो ये पढ़ा है कि जो फ्लक्स है वो हमारे पास उसकी इक्वेशन लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ी थी, फ्लक्स जो है फाई ई वो है ई डॉट ए सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दो चीज़ें मिलकर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रही हैं। तो ये क्लोज सरफेस के थ्रू हम कैसे पढ़ेंगे, इनके सफेयर के थ्रू हम कैसे देखेंगे। अब हमें पता है कि उसके लिए हमारे पास कोई सामने एक फ्लैट सरफेस होती है, फील्ड्स आती हैं और जितनी फील्ड लाइंस उसमें से पास करती हैं हम कहते हैं जी ये उसका क्या है, फ्लक्स है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो हम उसे कहते हैं जी ये हमारे पास क्या है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब हमने देखना है किसी ऐसे क्लोज सरफेस के थ्रू जो क्लोज्ड हो, बंद हो। बच्चे कहते हैं सर जी ये आ गई, मैंने कहा यार ये बताओ ये क्लोज सरफेस होगी या ये। उसने कहा सर क्लोज का मतलब हमने चैप्टर नंबर 11 में एक जगह पढ़ा था, वहाँ पे ग्राफ से पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, तो उसके मुताबिक तो ये है कि अगर आप जहाँ से चलो और वहीं घूम के आ जाओ तो वो आपके लिए कैसी चीज़ होती है, क्लोज्ड लूप, यानी कि कोई भी लूप आपके लिए क्लोज्ड होती है, वो क्लोज सरफेस की तरह काम करती है। तो आज हमने जो पढ़ना है वो हमने एक ऐसी इनमें से किसी भी सरफेस के अंदर ना एक चार्ज को रख देना है। लेट्स सपोज हम इस स्केयर में रख देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव के लिए फील्ड बाहर आ जाएंगी और नेगेटिव के लिए फील्ड्स अंदर चली जाएंगी। क्यों पॉजिटिव हुआ तो बाहर, क्यों नेगेटिव हुआ तो अंदर, और कोई मसला नहीं है, सारा कुछ वही रहेगा, वैल्यू वही रहेगी, बस इनवर्ट आउटवर्ड डायरेक्शन है जी। इसके लिए और अगर हम इन सब में चार्ज सेम रखते हैं, सरफेस के डिज़ाइन मुख्तलिफ हैं, क्लोज्ड हैं, तो क्या इनका डिज़ाइन पर फ़र्क पड़ेगा, ज़रा हमने ये भी देखना है। जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा वो भी इस टॉपिक में हमें वाजे हो जाएगा। लो जी हम इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। अब बुक ने क्या किया, बुक ने बड़ी आसानी से आपको समझाने के लिए एक स्फीयर को लिया, चूज़ किया है इस सारी कैलकुलेशन को करने के लिए। बच्चा कहता है सर क्लोज सरफेस में हम स्फीयर के अलावा ट्राइंगल ले लें, स्केयर ले लें। मैंने कहा ले लो। उसने सर फिर बुक ने क्यों स्फीयर लिया वो भी देखते हैं। बुक ने भाई साहब कुछ ये जुगाड़ लगाया है, बुक ने कहा कि भई ये आपके पास ऐसे बड़ा सारा गोल स्फीयर है लाइक अ फुटबॉल, ठीक है जी। इस फुटबॉल में पड़ा है एक मस्त जिंदगी जीने वाला चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि इसकी फील्ड लाइंस बाहर की जानिब होंगी, ऐसी शुडर बाहर ऐसे फील्ड लाइंस, और कहां पर होंगी, टू डायमेंशन है। तो अब चूंकि ये सरफेस है तो इस सरफेस से भी पास होंगी, यानी कि ये फील्ड लाइंस यूं भी आएंगी, और अगर ये सरफेस है ऐसे बोर्ड पे तो ये टू डायमेंशन आपको मैं दिखा सकता हूं ऐसे, लेकिन अगर हम इसे 3D एनिमेशन की तरह देख की हेल्प से देखें, या ओवरऑल अगर आपके पास इधर हम वैसे इसे देखें तो आपको कि सर ये फील्ड लाइंस, हमने उस टॉपिक में पढ़ा था, क्लैरिफिकेशन के लिए टॉपिक भी पिन कर रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो, उसमें हमने पढ़ा था ये टू डायमेंशन नहीं होती, ये बोर्ड पे टू डायमेंशन लगता है, ये होती है 3D हर सिमत में, जैसे बल्ब
आप कमरे के सेंटर में लगाते हो उसकी रोशनी हर जानी फैलेगी, सेम वैसे ये फील्ड लाइन्स हर डायरेक्शन में होंगी। अब बुक ने स्फीयर क्यों लिया, क्वेश्चन बनता है। बुक ने कहा था कि इसके गिर्द है फील्ड लाइन्स, हमने कहा है, तो कहता है चलो लेट्स सपोज ये एक फुटबॉल और इसके अंदर पड़ी है, तो जाहिर सी बात है हमें फील्ड लाइन्स नजर नहीं आती, तो ये हमारे पास है जी पूरा स्फीयर। बुक ने कहा कि अब हमने इस स्फीयर की वजह से टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना जो कि इसके अंदर चार्ज पड़ा उसकी वजह से बन रहा है। मैंने कहा सर इसमें ना मुश्किल है थोड़ी सी। उसने कहा क्या? उसने कहा सर देखो हमने जो पढ़ा था, हमने ये कहा था कि अगर ये फील्ड लाइन्स आ रही हैं और सामने आप ऐसे कोई भी सरफेस रख दो तो उसमें से जो पास होंगी वो ई डॉट ए से निकल जाएंगी, वेयर ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लाइक दैट, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, उसने कहा दूसरा, उसने कहा सर ये एरिया वैक्टर लिया था, वे वैक्टर एक बार सर रिवाइज करवा दो, भूल गए। वेक्टर एरिया क्या है? वेक्टर एरिया ये है कि किसी भी एरिया पर परपेंडिकुलर बना दें तो वो डायरेक्शन को शो करता है, और जो एरिया का मैग्नीट्यूड होता है वो उसका मैग्नीट्यूड बन जाता है, और एरिया जादू से स्केलर से क्या बन जाता है, वेक्टर। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, लेट्स सपोज ये इसकी 2 feet लंबाई है, ये 2 meter लंबाई है, 2 meter चौड़ाई है, तो 2 × 4 इसका सर ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का होंगे। मैंने कहा यार इसके ऊपर जो वेक्टर है ना परपेंडिकुलर, ये इसकी होती है डायरेक्शन, तो जिस भी सरफेस पे बनाओगे जैसे छत है उसका नीचे बनेगा तो उसके नीचे वेक्टर है, नीचे ज़मीन का ऊपर बनेगा तो उसका वेक्टर ऊपर है, तो ये इसका क्या आ जाएगा एरिया, यानी कि ये डायरेक्शन आ गई, ये मैग्नीट्यूड आ गया, तो ये इसका क्या बन गया एरिया वेक्टर। अच्छा अच्छा समझ आ गया, रिवाइज हो गया। अब आपने बताना है कि सफेद का कहां पर होगा। उसने कहा सर सफेद का समझ नहीं आ रहा क्योंकि सफेद गोल होता जा रहा है, कैसे? ये देखो, उसने कहा सर ये ऐसे होता जा रहा है, लेकिन सर इसके ऊपर एक डायरेक्शन नहीं बननी, इसके ऊपर मल्टीपल बननी है, और डायरेक्शंस अगर मैं इसको जस्ट सर्कल की बात करूं तो सर्कल पे हम देखें। उसने कहा सर देखिए अगर हम सिर्फ इतने से पैच की बात करें यूं होगा, इतने से पैच की बात करें यूं होगा, इतने से पैच की यूं होगा, यानी कि आप ये कह लो कि हर पैच का दूसरे पैच से अगर सबको सेम डिवाइड करें तो मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाएगा, यानी कि एरिया सेम आ जाएगा, बट वेक्टर एरिया सबका क्या होगा डिफरेंट, क्योंकि वेक्टर एरिया के पास होती हैं दो चीजें एन ए इंटू एन, ए तो एरिया मैग्नीट्यूड वो तो सेम है सबका सेम है लंबाई से चौड़ाई से फेर में, एन क्या है डायरेक्शन, डायरेक्शन सबकी भाई साहब डिफरेंट है, तो यहां पर मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर इसका मतलब है सर हम अगर इस चार्ज की फील्ड का इस फील्ड के साथ इस साइड का एरिया लें, यानी कि अगर ये फील्ड लाइन इधर जा रही है और ये एरिया लें तो यहाँ पर तो वेक्टर का इशू आ जाएगा। तो उसने कहा सर आप इसका क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इधर भी तो सर एक फील्ड लाइन आनी है, इधर भी तो एक फील्ड लाइन आनी है। अच्छा 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 मैंने कहा ये अच्छा, मैंने कहा अब समझ आई सर फिर क्यों लिया। उसने कहा सर क्या समझ आई बता दो ज़रा हमको भी, हम भी तो पढ़ने आए हैं हमें भी बताओ। मैंने कहा अच्छा अच्छा अभी बताता हूँ। मैंने कहा यार उसने पता बुक वाले ने क्या जुगाड़ लगाया, बुक वाले ने कहा यार सेंटर में पड़ा आपका पॉजिटिव चार्ज, अगर वो इसको अब आपने सफेद करना है, लेट्स सपोज आप ऐसे कह लो कि ये पूरा सफेद है, अब इस सफेद के ऊपर आपको पता है कर्व्स आ रही हैं, तो कर्व्स का एरिया आपको पता है डिफरेंट होता है, लेकिन अगर इस कर्व्स के मैं छोटे 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 टुकड़े कर दूं तो आप देखोगे ये पूरे फुटबॉल जैसे पूरा फुटबॉल है उसके ऊपर छोटे छोटे पैचेस बने, अगर मैं छोटे छोटे एरिया के पैचेस बना दूं डेल ए, यानी कि एरिया को एन इंटू डेल ए कर दूं, टोटल एरिया के टुकड़े कर दूं एन मल्टीप्लाई बाय ए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल एरिया इज इक्वल टू एरिया के आपने एन टुकड़े कर दिए और हर टुकड़ा क्या है सेम और इतना छोटा है कि वो तकरीबन टुकड़ा फ्लैट है बिल्कुल ऐसे हमारे इस एरिया की तरह, तो उसने कहा सर हर पॉइंट पर वो जो छोटे पैच का अपना क्या बन जाएगा एक वैक्टर एरिया बन जाएगा। मैंने कहा अच्छा ये कह रहा है तू कि ये एक छोटा सा पैच बन गया इसके ऊपर टुकड़ा, ऐसे ही समझ लो कि आप तरबूज के ऊपर टाकी लगवा रहे हो लेकिन टाकी बहुत छोटी सी लगी है, तो वो जो ऊपर वो टाकी का ऊपर वाला हिस्सा आएगा ना छिलका तरबूज का वो बिल्कुल फ्लैट आएगा। उसने कहा सर इसका वेक्टर एरिया शूं करके यूं होगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा शूं करके यूं बना लेते हैं लो जी। उसने कहा सर ये पॉजिटिव चार्ज है। हमने कहा है इसकी फील्ड कहाँ होगी, बाहर होगी। मैंने कहा होगी, कहते बनाओ फिर। मैंने कहा लो सर अभी बना देते हैं लो जी ये फील्ड बाहर आ गई। अच्छा तो इसका इसके साथ मिल गया, इसका मतलब है जो इधर टुकड़ा बनेगा उस टुकड़े का वेक्टर एरिया ऐसे होगा। उसने कहा होगा। तो उसने कहा सर इधर भी फील्ड लाइन आएगी। मैं कहा आएगी लो जी। अच्छा मैंने कहा ये इससे जान छुड़ा रहा है थीटे से।
अभी भी समझ नहीं आई सर, दोबारा बताएं ये इससे कैसे जान छुड़ाना चाह रहे इधर। मैंने कहा यार ये देख, अगर वो यही काम इस डब्बे में कर दे आपको, किस डब्बे में, सुकेयर वाले डब्बे में है क्लो सरफेस, है सर इसमें करके दिखाओ। उसने कहा सर हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। कैसे? उसने कहा सर ये देखो, ये टुकड़ा देख लो। मैंने कहा यार ये तो बड़ा फ्लैट है, वो रोले से तो हम जान छूट गई, ये स्केट ये पैचेस बनाने वाले। उसने कहा फ्लैट है? मैंने कहा हाँ। उसने लो सर ये बना दिया, ये वेक्टर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की लाइन आ गई या फील्ड लाइन आ गई, ये हमारे पास। उसने कहा हो गया। मैंने कहा यार एक चीज़ नज़र आ रही है। उसने कहा क्या? उसने कहा सर अगर इस पैच की बात करें, इस पैच की, तो यहाँ पर क्या करें? उसने कहा सर यहाँ पर फील्ड लाइन आएगी। मैंने कहा आएगी? उसने कहा लो, लेकिन भाई साहब इस साइड का वेक्टर एरिया कहाँ बनेगा? उसने कहा सर इधर। उसने कहा सर आ गया एंगल? मैं क्या आ गया? तो कहना सर कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसने कहा इधर फिर क्या हमें आसानी है? उसने कहा सर इधर आसानी ये है कि फील्ड लाइन भी हर डायरेक्शन में है और एरिया भी हर डायरेक्शन में है, तो हर पैच का वैक्टर फील्ड लाइन के पैरल हो जाता है। तो मैंने कहा पैरल का मतलब? उसने कहा सर एंगल जीरो हो जाता है। अच्छा, मैंने कहा एंगल जीरो? उसने कहा सर कोस जीरो वन होता है। तो मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी बात है, कैलकुलेशन बड़ी आसान हो रही है। अच्छा अच्छा उसने कहा सर इसलिए इसको लिया है। तो हम चीज़ों को आसान करके मुश्किल की तरफ लेके जाते हैं ना, कि मुश्किल से आसान की तरफ जाएं। तो पहले आसानी से सॉल्व करेंगे, देन हम इसको डिफ़िकल्ट करते जाएंगे, फिर हम देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन पर कोई असर पड़ता है। उसने कहा सर ये एन पैचेज हैं, तो फिर हर पैच का अपना फ्लक्स होगा? मैं कहा होगा। उसने कहा सर फिर टोटल फ्लक्स क्या होगा? मैंने कहा यार हर पैच है, अगर 10 पैचेज हैं तो 10 पैच का क्या कर लेंगे हम, सम अप कर लेंगे, समेशन ले लेंगे, तो सारों का आ जाएगा। उसने कहा सही बात है, करो फिर। उसने कहा अगर सर आप इसकी बात करें पहले की, ये अब फाई ई है यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन पहले पैच की बात कर रहा हूँ, ये वन है, ये टू है, और इधर लेट्स सपोज हम कह लेते हैं जी पैच एन है, चूँकि पैचेज सेम साइज के हैं उसके मुताबिक, तो इस पर आ जाएगा आपका ई वन डॉट डेल्टा ए वन। उसने कहा सर ई वन डेल्टा ए वन कोस थीटा वन, ई वन डेल्टा ए वन कोस थीटा जीरो, विच इज इक्वल टू ई वन डेल्टा ए वन। मैंने कहा अच्छा ये वेक्टर से, सॉरी यहाँ बब ये बन गया स्केलर। उसने कहा सर ये आ गया जी पहले पैच का। मैंने कहा दूसरे का? उसने कहा सर दूसरे में भी कोस जीरो है ना, तो आंसर अल्टीमेटली आपका जाकर एंड होना है इस पे। मैंने कहा तीसरे का? उसने कहा सर तीसरे पे भी कुछ ऐसा ही आ जाए ना आंसर, ई थ्री डेल्टा ए थ्री। और मैंने कहा जो आखिरी टुकड़ा है जैन के, हमने लेट्स सपोज एन मीन कुछ भी डिवाइड किया, आप किसके पास बड़ा फुटबॉल है उसने 100 टुकड़े कर लिए, मेरे पास छोटा फुटबॉल था गरीब बंदा था, तो गरीब बंदे के पास 10 थे तो मैंने 10 टुकड़े कर लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। उसने कहा सर एन टुकड़े का? उसने कहा सर ई एन डेल्टा ए एन। अब मैं ज़रा एक चीज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ यार सपोज ये चार्ज ना सेंटर में पड़ा अपनी आसानी के लिए, ताकि सबको इक्वल हिस्सा मिले, कोई लड़ाई शड़ाई ना करे इधर आकर सर मुझे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड काम मिली है। उसने कहा काम कैसे मिले? उसने कहा सर अगर आप जाओ पीछे ही तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा है? मैंने कहा हाँ यार वो तो यार 1/4 πε0 q ओवर वेयर, ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्यू है, ओवर क्या है आर स्क्वायर। उसने कहा सर देखो डिस्टेंस चेंज करने से ना आप सरफेस इसका चार्ज से ये फील्ड लाइन वेरिएट होनी शुरू हो जाएगी काम ज़्यादा, तो सबको ना सबको हंसी खुशी से मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको सेम हिस्सा देना चाहिए। तो हमने चार्ज को सेंटर में रख दिया ताकि किसी में लड़ाई ना हो, कोई किसी के बाल बूल ना खींच दे यहाँ पर। मैंने कहा अच्छा अच्छा सुलह सफाई से काम रखना है। उसने कहा हाँ लो फिर। उसने कहा सर टोटल बता दो अब ज़रा, आप बड़ी जल्दी है टोटल निकालने की। तो मैंने कहा यार टोटल क्या होगा, आप सब पैचेस का फ्लक्स एकदम फट करके जमा कर दो अप टू, ये इसका मतलब होता है डॉट, यानी चलता जा रहा है कहाँ तक, एन तक। अच्छा पहले पैच का क्या आएगा? उसने कहा लो सर हमने निकाला हुआ है ई वन डेल्टा ए वन, दूसरे का ई टू डेल्टा ए टू, तीसरे का ई थ्री डेल्टा ए थ्री प्लस सो ऑन ई एन डेल्टा ए एन। अच्छा उसने कहा सर ये ना ई है, ये अब स्केलर बन गया वेक्टर, इसकी वेक्टर वाली जो इसकी ताकत थी ना वो ख़त्म कर दी हमने ई डॉट प्रोडक्ट लेके। अब अगर आप देखो तो चार्जेस चूंकि सेंटर में पड़े चार्ज या चार्जेस, तो जिसकी वजह से ई वन का मैग्नीट्यूड डंडों, ये जो दो डंडे हैं ना इसको मोड़ बोलते हैं,
इसका मतलब है कि इन सब का मैग्नीट्यूड, सब क्या आपस में मैग्नीट्यूड, सेंटर से क्योंकि चार सेम है, फील्ड सिर्फ आर पर और क्यू पे डिपेंड करती है, क्यू सेम है सेंटर पे है, आर सेम है सारे सफेद का सेंटर से, तो फिर फील्ड सबके लिए क्या होगी भाई साहब, सेम होगी। आगे चलो, इस इक्वेशन का मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, इस जगह इस इधर मस्त करके लिखते हैं, इधर ज़रा देखो, तो ई वन की जगह आ जाएगा ई डेल्टा ए वन, इसकी जगह भी ए टू, इसकी जगह भी ई ए थ्री अप टू सोन ई डेल्टा ए एन, ई सेम है तो कॉमन ही ले लेते हैं, ऐसे ही साथ चलता जा रहा है अपने अप टू डेल्टा ए एन, यही बनेगा। अब उसने कहा सर ये तो ई है, अगर मुझे ये बताओ इन छोटे छोटे पैचेस को मैं जमा कर लूँ तो क्या इस, अच्छा पैचेस से ना पहले अब इस सर्कल को देखो, आप सपोज करो ये सर्कल है, ये जैसे एक पूरा सर्कल है, इस सर्कल को मैं इधर से काट देता हूँ, काट के इसको पकड़ के ना इसे सीधा खींच देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस सरफेस के इस पूरे सर्कल के ना छोटे छोटे टुकड़े बनाता हूँ कि हर टुकड़ा फ्लैट हो जाए। अब मुझे बताओ अगर मैं इन सारे टुकड़ों को दोबारा जोड़ूंगा तो क्या यही लेंथ वापस आएगी, ऐसे पूरी ये छोटे छोटे पैचेस को जोड़ दिया तो सेम। अब अगर आप सफेयर पे बात करें तो सफेयर पे मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई साहब इस सफेयर के छोटे छोटे जो सफेरिकल सरफेस एरियाज हैं इन छोटे छोटे टुकड़ों को मैं जोड़ूँ तो क्या टोटल एरिया बनेगा। उसने कहा हाँ सर ये छोटे छोटे टुकड़े ज़रा आप सम करें तो टोटल सफेरिकल एरिया बनता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा टोटल सफेयर सरफेस एरिया, पूरे सफेयर का सरफेस एरिया। पूरे सफेयर का सरफेस एरिया उसमें कहा जाएगा। अब इसी जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो ज़रा पुट करें, उसने कहा सर वो वैल्यू थी 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर, उसने कहा सर ये तो है ई की वैल्यू। अब सफेयर का जो एरिया है यानी कि जो सरफेस एरिया है इसका फार्मूला आता है किसी को, उसने कहा सर मैथ में पढ़ा था याद नहीं है बुक से देख लेते हैं, उनको बताओ भी बुक में क्या है, उसने कहा सर बुक ने वालों ने लिखा हुआ है फोर पाई आर स्क्वायर। अच्छा मैंने कहा यार ये अगर गौर करो तो ये आर वही नहीं है जो सेंटर से यहाँ तक था, तो ये आर भी वही है जो यहाँ से यहाँ तक है। उसने कहा सर ये तो कट गया, फोर इज नंबर से कट गया, ये इससे कट गया, तो फिर बचा क्या। उसने सर हमारे पल्ले में क्या बचा, मैंने कहा यार हमारे पल्ले में गौर करो तो इधर क्यों बच रहा है और क्या बच रहा है, उसने कहा सर एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, उसने कहा सर वो कॉन्स्टेंट है उसकी कोई अहमियत नहीं, मैंने कहा अहमियत नहीं है अभी देखते हैं ज़रा, 1/ε0 इंटू क्या बच रहा है क्यू, और मैंने कहा ये क्या हो गया भाई ये तो टोटल फ्लक्स नहीं था, उसने कहा सर टोटल तो हुआ क्या, मैंने कहा भाई साहब ये तो वो चीज़ ही नहीं ला रहा जिसके अंदर हमने उसको रखा हो, उसने कहा सर कैसे, मैंने कहा क्या इधर कोई फैक्टर आ रहा है जिस पे ये चीज़ का साइज़ या डायमेंशन इफेक्ट कर रही, उसने कहा नहीं, फिर ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उसने कहा सर ये तो है कांस्टेंट, तो अगर ये कांस्टेंट है तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा कांस्टेंट इनटू क्यू इक्वल, और ये चीज़ प्रोपोर्शनल का साइन बनाती है, इसका मतलब है टोटल फ्लक्स जस्ट डिपेंड अपॉन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट कैसी सरफेस, क्लोज सरफेस, उनका सरफेस खुली ना हो कहीं से, ओपन सरफेस पे नहीं लगेगा, जुगाड़ लगेगा तो क्लोज सरफेस पे लगेगा। इसका मतलब है कि अगर इसी सरफेस को हम लेट्स सपोज मैं इधर ग्रीन से रिप्लेस कर देता हूँ एक स्क्वायर से, तो इसका मतलब है कि अब भी फ्लक्स क्या रहेगा यही रहेगा क्योंकि क्यू चेंज नहीं हो रहा। इसी सरफेस को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ भाई साहब एक ट्राइंगल से, साइज बड़ा कर रहा हूँ छोटा कर रहा हूँ नहीं इफेक्ट करेगा, सिर्फ क्या इफेक्ट करेगा अंदर पड़ा हुआ चार्ज। उसने कहा सर ये एप्सिलॉन नॉट, मैंने कहा यार ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसने कहा सर फ्री स्पेस का तो मतलब समझ आ गया, क्या इसके अंदर अगर हम कोई मीडियम शीडियम रखें तो इफेक्ट होगा, मैंने कहा तब होगा, उसने कहा कैसे, उसने कहा सर देखो ये वाला सारा सेटअप ई से मिल रहा है
और अगर आपको कोई पिछला टॉपिक आपके जहन में हो, पढ़ते तो नहीं हो शायद, तो किसी को याद हो को ई कहाँ से मिला था, ई मिला था हमें एफ बाई क्यू नोट से, और एफ आपको पता है कि क्या इसको हम यूं लिख सकते हैं, सॉरी क्यू नोट इंटू एफ, और क्या अगर एफ दो चार्जेस के दरमियान में क्या हो फ्री स्पेस तो एप्सिलॉन नॉट, और अगर दो चार्जेस के दरमियान में एफ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर आ जाता है, और ये क्या आएगा क्यू इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, क्या ये इससे कट गया, तो अब जो ई है वो किसके बराबर बना, वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर, तो हमें पता है ये फैक्टर कट जाना तो आंसर एंड में क्या बना था क्यू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, इसका मतलब है कि अब यही इक्वेशन में सिर्फ एप्सिलॉन आर आ जाना था, इसका मतलब है कि ये भाई साहब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू क्लोज सरफेस है दो चीज़ों पर डिपेंडेंस, एक चीज बजाते खुद चार्ज इनक्लोज्ड पे, और दूसरी चीज उसने कहा दूसरी चीज सर मीडियम पे, इसका मतलब है कि अगर इस सफेयर के अंदर हम कोई भी चीज कोई भी मीडियम एंटर कर दें, अब हमने जो भी मीडियम एंटर करना है उसकी वजह से इसकी फील्ड में कमी या ज्यादती आनी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में, तो ज़्यादा कम उन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि मीडियम के आने से बाहर आएगी, नहीं मीडियम के आने से बाहर नहीं आएगी, मीडियम के आने से फ्लक्स कम होगा भाई, मीडियम के आने से फ्लक्स कम होगा, और डिपेंड किस पे कर रहा है इनक्लोज चार्ज पे, चार्ज के बढ़ाने से बाहर आएगी फ्लक्स बढ़ेगा, और मीडियम के आने से नहीं आएगी कम होगा, तो इसका मतलब है कि टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से डिपेंड ही नहीं करता उस सरफेस पे भाई, डिपेंड किस पे करता है खुद चार्ज पे प्लस कि उस चार्ज की सरफेस प्लस और उस चार्ज के दरमियान में कोई मीडियम शीडियम तो नहीं है, कोई मीडियम होगा तो उस लिहाज से उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है आप इसे किसी भी क्लोज सरफेस पे ट्राई कर सकते हो। ये था जी आज का लेक्चर, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, थैंक यू।